हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फोर आईक्यू में। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम आपके ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, जो भी पॉसिबल हो पा रहा है। तो ओजोन लेयर से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इस वीडियो में जानेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन लोअर PCS, UP, APO और सभी अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरी एक एक वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज सेलेक्टेड कंटेंट मैं प्रोवाइड कराता हूँ। उससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हम आप लोगों तक हमारी वीडियोज़ पहुँचती रहें। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स इसी तरह का सिलेक्टेड और मटेरियल PDF और ऑडियो लेक्चर पाना चाहते हैं, तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 7500110314 पर। मुझे व्हाट्सअप करके पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप ओनली पेड ग्रुप है UP, APO, उत्तराखंड सिविल जज, बिहार मेंस और इसके साथ साथ उत्तराखंड सिविल जज प्रीलिम्स के लिए हमारा चल रहा है। लोअर PCS के लिए भी पेड ग्रुप चल रहा है। ठीक है, अभी एक पेड ग्रुप और बनाने जा रहा हूँ, जो अभी रेलवे में वैकेंसीज आई हैं चीफ लॉ असिस्टेंट एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की, तो उसके लिए भी एक पेड ग्रुप हमारा रनिंग में आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओजोन परत की। तो ओजोन परत क्या है? ओजोन लेयर समताप मंडल में ये मौजूद होती है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, समताप मंडल में ये काफ़ी होती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, इसके बाद मौजूदा पृथ्वी की छतरी इसको बोला जाता है, यानी अम्ब्रेला ऑफ अर्थ भी इसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये परावैंगनी किरणें जो होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है, जो सूर्य की होती है अल्ट्रावायलेट वेव्स उनको अवशोषित करके हमारी सुरक्षा करती है। और ओजोन का मुख्य O3 से इंडिकेट करते हैं इसको। क्रिश्चियन फ्रेडरिक इस्कोविन ने इसकी की थी, मतलब इसकी खोज जो की थी, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। क्रिश्चियन फ्रेडरिक इस्कोन विन्नेस की थी सर्वप्रथम इसका 6 यानी डीके का पता फोर मैन ने पता लगाया था कि इसका डीके मतलब इसका 6 कैसे हो रहा है। और अंटार्कटिका में ओजोन 6 की सर्वाधिक समस्या है, मींस अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका सागर के ऊपर इसका एक छिद्र हो गया है, वहाँ से इसका 6 हो रहा है बार बार, तो वो चीज़ का पता लगाया था फोर मैन ने। इसके बाद डब्सन की इकाई में इसको मापा जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेंगे। डब्सन इकाई यानी डब्सन यूनिट में ओजोन लेयर को नापा जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार आ चुकी है, CFC, मिथाइल ब्रोमाइड नाइट्रेट ऑक्साइड NTO आदि से ओजोन प्रभावित होता है। मीन्स इसका डिके होने का जो कारण है वो यही है कि CFC इसका मुख्य घटक है, कार्बन डाइऑक्साइड NO2 नाइट्रस ऑक्साइड मिथाइल ब्रोमाइड जो अन्य गैसेज होती हैं उसी की वजह से ओजोन परत का क्षय होता है और डिके होता है, और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, इसके बाद आधुनिक इसके मेन किस वजह से होती है, पैदा कहाँ से होती है? आधुनिक रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर यानी जो हमारे AC होते हैं, फ्रिज होते हैं, उनके अंदर जो एयर कंडीशनर में गैस भरी जाती है उसकी वजह से स्प्रे पेंट और फोम के गद्दे जो होते हैं, फोम के उत्पादों में CFC पैदा होती है। और CFC जब पैदा होगी तो किसको लॉस, किसको नुकसान करेगी, किसको हानि देगी? वो देगी ओजोन लेयर को। इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत क्वेश्चन आया कि CFC किससे का निर्माण कैसे होता है, तो इसमें याद रखेंगे रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, प्लीज़ इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद इसमें त्वचा एवं आँख प्रभावित होने के साथ साथ जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को भी खतरा होता है, इससे याद रखेंगे। मीन्स मनुष्य की त्वचा और आँख, मीन्स स्किन और आइज दोनों प्रभावित होती हैं, उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी यानी हमारा एनवायरमेंट है वो भी इससे खतरा होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ओजोन लेयर का डिके होगा, बार बार उसका 6 होगा, तो टेम्परेचर हमारा स्थिर नहीं रहेगा, घटे बढ़ेगा, जिससे आंधी तूफान और बारिश, कभी सूखा कभी ज़्यादा बारिश, इस तरह के खतरा मंडराने लगते हैं। इसका रोकने के लिए बस एक अच्छा विकल्प है, वो है वृक्षारोपण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ, पेड़ लगाए जाएँ, वनों का कटान बंद हो, इसका सबसे बड़ा एक अच्छा विकल्प यही है। और CFC उत्सर्जन पर रोक, यानी जो CFC गैस बनती है उसके उत्सर्जन, यानी हमारे जो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर हैं, स्प्रे पेंट आदि, इस तरह के जो केमिकल्स या इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं जिनसे ये चीज़ें बनती है, प्रोड्यूस हो रही है CFC, उन पर रोक लगाई जाए, ताकि ओजोन लेयर संरक्षित की जा सके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ये भी आप दिमाग में रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, दो क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ,
कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है और दूसरा 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर आपको दे दूंगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करें। टारगेट फॉर आईक्यू की मैं आप बात बताऊँ, सिर्फ मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, केवल इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट चीज़ें ही मैं देना पसंद करता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।